हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हम में। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि DFCCIL ने अपना जो एग्ज़ाम जो किया था स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, तो उन्होंने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और आज उन लोगों ने अपना यहाँ पे रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कैंडिडेट्स यहाँ पे, इन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकाल दी गई है और वो कैंडिडेट्स जो हैं सीधे सारे साइको टेस्ट के लिए यहाँ पे सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि यहाँ पे साइको टेस्ट के लिए कितना कंपटीशन है और कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं साइको टेस्ट के लिए, और यहाँ पे हम टोटल कैंडिडेट्स जानेंगे कि कितने गुना कैंडिडेट यहाँ बुलाए गए हैं साइको टेस्ट के लिए और इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है। इससे पहले जो रिजल्ट वाला वीडियो है वो मैंने यहाँ पर डाल चुका हूँ और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप सभी लोग वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सब कुछ जान लिया है कि DFCCIL ने क्या किया है अपना रिजल्ट निकालने में, क्या लोगों ने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि साइको टेस्ट के लिए यहाँ पे कितना कंपटीशन है और यहाँ कितने गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, कमेंट कर दीजिए, एक थैंक यू का मैसेज जरूर लिखिए अगर वीडियो आपको पसंद आए, और एक कमेंट के साथ साथ अपनी क्वारीज वगैरह जो भी हैं वो भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा सब्सक्राइब का बटन रहता है वो आप हमारा क्लिक कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में वो हैं, जैसा कि मैं अभी जो कल न्यू रिक्रूटमेंट चालू होने वाला है रेलवेज़ का NTPC की जो पोस्ट है, तो उसका वीडियो भी मैं डालूंगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो हमारा इस वीडियो को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अपडेट की ओर और अपडेट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें वैकेंसीज कितनी थी और कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा और इसको एग्जीक्यूटिव मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो उसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नीचे की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ पे स्पेस मिल जाएगा आपको समझाने के लिए। तो ये स्पेस आ गया है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स लिए गए हैं जनरल के लिए, यहाँ पे वैकेंसी थी करीब 53 कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई थी। रही बात SC कैटेगरी की, ठीक है, तो यहाँ SC कैटेगरी की यहाँ वैकेंसी थी, तो यहाँ पे 18 वैकेंसीज थी। और साथ ही साथ ST कैटेगरी की बात करूँ, नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसा कि बताया गया था, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे ST कैटेगरी की थी 9 वैकेंसीज यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ में OBC के कैंडिडेट थे यहाँ पे, ठीक है, अदर बैकवर्ड जो कैटेगरी रहती है, तो यहाँ पे इनकी वैकेंसीज थी, यहाँ पे इनकी वैकेंसी थी 29, ठीक है। टोटल यहाँ पे 29 वैकेंसीज थी और यहाँ पे करीब 109 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो पूरा 109 का आंकड़ा बनता है, ठीक है। मीन्स 109 कैटेगरी थी, 109 हर कैटेगरी के लोग मिला के 109 वैकेंसीज थी स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो टोटल 109 वैकेंसीज थी और यहाँ पे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, जो हुए हैं 872, ठीक है, 872 कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं साइको टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट में जाएंगे ये लोग, ठीक है। साइको एक्चुअली में PSYCHO, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो साइको के लिए ये यहाँ पे जाएंगे, 872 कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे, जनरल के भी होंगे, SC के भी होंगे, ST और OBC के मिला के। और इनमें से जो 15 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो इनमें जो 15 वैकेंसीज है, यहाँ पे जो जितनी भी 15 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे इनकी 15 वैकेंसीज हैं, ये जो कैंडिडेट रिजर्व हैं ये एक्स सर्विस मैन है, ये जनरल के भी होंगे, SC के भी होंगे, ST के भी होंगे, OBC के होंगे। तो सोच सकते हैं कि 15 वैकेंसीज इन्हीं लोगों ने ले ली हैं इन कैटेगरीज में से, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ रहने वाला है। तो ठीक है, बढ़ते हैं। 872 कैटेगरी, 872 कैंडिडेट्स हैं ये साइको के लिए यहाँ जाने वाले हैं, तो और सीट्स हैं 109, ठीक है। तो 109 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे 8 से, ठीक है, तो यहाँ पे 872 कैंडिडेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। मीन्स 8 गुना वैकेंसीज यहाँ पे, यहाँ इन लोगों ने आगे के टेस्ट के लिए यहाँ पे साइको टेस्ट के लिए यहाँ पे रखी है, ठीक है। 8 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे इन लोगों ने बुलाए हैं
तो 8 गुना कैंडिडेट्स मिलाए हैं साइको के लिए, और उसमें से जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स और उसमें से चुनिंदा जो बेहतरीन होंगे उसमें 53 जनरल के रहेंगे, एससी के 18 रहेंगे, एसटी के 9 रहेंगे और ओबीसी के यहाँ पे 29 रहने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो अपडेट सिर्फ इतना ही था, आपको इस तरीके से मेहनत करनी है कि आप लोग इन कैटेगरी इन बंदों में आ जाए, इन नंबर्स में आपका नंबर लग जाए। तो अपडेट सिर्फ इतना ही था। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू का मैसेज भी आप लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। और कमेंट करने के साथ साथ अपने क्वारीज वगैरह हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको हमारे इस तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, और आप हमसे कुछ भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।